हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी व्लॉग्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम लोग हो चुके हैं फ्रेश और अभी यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में मौसम है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्मॉग है। बाहर जाके आपको फील होगा कि आपको मतलब हैवीनेस एक फील होगी। बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब इतना स्मॉग, इतना पॉल्यूशन है। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। लंच में मैं सोच रही हूँ आज चना चावल बनाऊँ और ऑफिस के लिए इनके लिए मैं चने रखूँगी, थोड़ा सा ऐसे ग्रेवी वाले। तो बनाते हैं और मैं आपको बाहर भी दिखाऊँगी कैसा यहाँ पे मौसम है। सुबह ऐसे आपको धूप ही नहीं दिखेगी, धूप की किरणें आपको बहुत हल्की हल्की दिखेंगी, जबकि यहाँ पे धूप अच्छी आई है। जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे ऐसा हाल है। और मौसम भी ऐसा चल रहा है खांसी जुकाम वाला, और इस चक्कर में मुझे भी हल्का सा जुकाम हो चुका है एकदम। मतलब वो जो आपको खांसी आती है खाली खाली, ड्राई कफ वैसा वाला। तो अभी मेडिसिन मैंने ली रखी है कफ सिरप, होप जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ देखिए ये ऐसा यहाँ पे पूरा स्मॉग छाया हुआ है, जबकि वहाँ पे विजिबिलिटी एकदम क्लियर दिखती है। वहाँ पे मॉल है, ओमैक्स मॉल, वो एकदम साफ दिखता है। और यहाँ ऐसी है हालत दिल्ली एनसीआर की, पूरा ही स्मॉग। ये देखिए अच्छी खासी मतलब धूप खिली है, पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा होगा, पर ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, पॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि क्या हाल है दिल्ली एनसीआर के, इतना स्मॉग, इतना पॉल्यूशन है। बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और अभी मैं बनाती हूँ अपना लंच और आपको भी दिखाऊँगी। हाँ, मेरी चना चावल की तैयारी हो रही है। काट मैंने सब कुछ लिया है, मैं सिंपली रखूँगी प्याज लहसुन। और वैसे भी जो जैसा मौसम है उसमें तो मेरे ख्याल से लहसुन खाना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। बस बनाते हैं। और अब मैं बना रही हूँ चने, तैयारी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है तेज पत्ता। यहाँ पे मेरे चने पक चुके थे, तो उसके बाद मैंने इनका टिफिन भी पैक कर दिया था। हेलो एवरीवन, और दिन के सारे काम निपट गए हैं। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहाँ हो चुकी है शाम। और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, अदरक और मिर्च डाल के, ताकि थोड़ा गले को अच्छा लगे। ऐसे अदरक और थोड़ा हम जब ब्लैक पेपर मिर्च डालते हैं काली मिर्च की चाय, ऐसे थोड़ा गले को ऐसे कहते हैं ना सेक लगती है, तो थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है। और वैसे मैंने अपने लिए कप सिरप भी मंगा लिया है, उसको भी मैं पीऊँगी ताकि थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पर आज एक दिवाली फंक्शन भी है मेरे ख्याल से सोसाइटी में। वैसे तो शुरू होने का टाइमिंग था 4 बजे, एक ऐसे 4-5 बजे ऐसी टाइमिंग थी, पर अभी कुछ शुरू हुआ नहीं है। फूड स्टॉल्स और ऐसे किड्स डांस म्यूजिक फंक्शन ऐसे कुछ था म्यूजिकल, तो भी देखूंगी जब शुरू होगा। अगर हो सके तो मैं एक चक्कर जाऊंगी नीचे। और वैसे तो काफ़ी स्मॉग भी है, धुआं भी है, थोड़ा ठंडा भी लगता है जुकाम में। पर मैं सोच रही हूँ कि अगर देखूंगी कैसी वाइब्स आ रही है बालकनी से, अगर अच्छा लगेगा तो एक राउंड होके आऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। अभी मेरी चाय बन चुकी है और मैं अभी आपको अपनी चाय भी दिखाऊँगी, और मिलते हैं आगे। और ये देखिए मेरी चाय हो चुकी है रेडी, और मेरी चाय हो चुकी है रेडी, अब पीते हैं। और मैं अभी आपको शाम का भी नज़ारा दिखाती हूँ। शाम को ऐसा लगता है कि स्मॉग और बढ़ गया है वाला नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी शाम का। ऐसे सुबह से लेके शाम तक तो एक ही जैसी लगती है, क्योंकि धूप तो दिखती है नहीं, बहुत ही हल्की सी आपको दिखेगी, और वो भी मतलब पूरी ढकी रहती है। तो मैं आपको शाम का नज़ारा भी दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे शाम का नज़ारा, और जैसा लग रहा है कि स्मॉग और बढ़ चुका है, पॉल्यूशन और बढ़ चुका है। और आज सोसाइटी में दिवाली फंक्शन भी है, तो अभी शुरू हुआ नहीं है। वैसे टाइमिंग तो दे रखी थी 5 बजे की,
पर मेरे ख्याल से शाम होते होते शुरू होगा। जाऊंगी यहाँ पे, देखूंगी कैसा फंक्शन है। और दिल्ली NCR की तो हालत ख़राब है। और ये देखिए हो चुकी है रात, और रात पे कितना अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे दिवाली पास आती है तो सभी लोग ऐसे लाइट्स लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और दिवाली में सबसे ख़ास बात यही लगती है। और नीचे फंक्शन भी अब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है, तो चलेंगे थोड़ी देर में नीचे। और मुझे दिवाली में सबसे अच्छी ये लाइट्स ही लगती हैं, इनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है, हैप्पी हैप्पी सा। आप भी बताइए आपको कैसा लगता है कमेंट्स में। हेलो, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे सेंट्रल पार्क में। दिवाली का फंक्शन मेरे ख्याल से शुरू हो गया है, बाकी माहौल तो नीचे देखकर ही पता चलेगा। और कोशिश करूँगी थोड़ी देर बैठूँ, और अगर मुझे ज़्यादा लगेगा कि खांसी सी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बाहर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, स्मॉग भी है, तो मैं वापस जल्दी भी आ जाऊँगी। देखते हैं बाहर कैसा माहौल है और आपको भी दिखाएंगे, चलते हैं। और ये नीचे सोसाइटी में काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे ड्राई फ्रूट्स के, और दिवाली की जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं उसके, कपड़ों के, और खाने के भी लगे थे, जैसे चाट पकौड़े हो गया, और बच्चों के छोटे छोटे झूले भी लगे हुए थे। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। फंक्शन भी शुरू हो चुका है, अभी ब्रेक टाइम हो रहा है। पहले बच्चों का डांस था, और उसके बाद वुमेंस के लिए फैशन शो भी रखा हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा था। और गेम्स थे, तंबोला गेम्स, और एक लकी ड्रॉ भी था, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने नाम दीजिए और आपको, अगर आप लकी ड्रॉ जीते तो आपको एक इनाम मिलेगा। मुझे काफ़ी मज़ा आया। वैसे सोसाइटी की तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे नवरात्रे में भी हुए थे, जागरण भी होता है, और मतलब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इसमें बच्चों को भी जानने को काफ़ी कुछ मिलता है अपने कल्चर के बारे में, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। हेलो, और मैं फंक्शन अटेंड करके वापस आ गई हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक मैंने वहाँ पे बैठी, एंजॉय किया। और लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा सा गले में खांसी खांसी जैसा फील हो रहा था, तो मैं वापस आ गई और मज़ा आया। किड्स शो था वहाँ पे, बच्चों ने डांस किया, और वहाँ पे फैशन शो भी था वुमेंस के लिए, और वहाँ पे तंबोला भी और भी गेम्स चल रहे थे। लेकिन मैं वापस आ गई और अभी मैं करूँगी डिनर। और वहाँ पे स्टॉल्स भी लगे थे फूड आइटम के, जैसे पानी पूरी, चाउमीन, चाट, टिक्की मसाला, जिसको जो खाना है खा सकता है। तो काफ़ी अच्छा हमारी सोसाइटी ने वो किया है, काफ़ी मज़ा आया। ये हमारा इस सोसाइटी में पहली बार है कि हम इतने फंक्शंस देख रहे हैं। बाकी अभी मैं करूँगी डिनर। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।